हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम हमारा पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो हमने पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ना शुरू किया है। पॉजिटिव स्कूल इज इन फोर्थ इन नंबर, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले आए थे सेजर लिम्ब्रोसो। सो सेजर लिम्ब्रोसो ने बोला कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बायोलॉजिकल और एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल। मतलब वो पर्सन किस तरीके से बायोलॉजिकली बिल्ड है, मतलब हेरिडिट्री, अगर उस हेरिडिट्रिकली अगर उसके फैमिली में कोई भी क्राइम करता है तो वो भी क्राइम करेगा, और अगर उसके कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं, स्पेसिफिक फिजिकल फीचर जो कि कोई कमी है, या उनमें एज कम्पेयर टू अदर लाइक इंडिविजुअल्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो दे आर लाइकली टू कमिट सम क्राइम। ठीक है, दूसरे आई एनरिको फेरी। टाइमलाइन था 1856 से 1928। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव अ बैच इन अन अकेडमी क्रिमिनोलॉजी में। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की बैच है अन अकेडमी में, बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएगी, उसके थ्रू आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट से, सो आपका सारा का सारा क्रिमिनोलॉजी कंप्लीट कराने का जो भी जिम्मेदारी है वो मेरा होगा। क्लासेस होंगी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और हम बहुत ही अमेजिंगली सारा सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा एंड आप जेआरएफ ज़रूर क्रैक करेंगे। सो डोंट फर्गेट टू जॉइन द अन अकेडमी बैच। अभी आपको स्पेशल 3 डे ऑफर मिल रहा है। यू विल गेट द कोर्स इन 2499 इंस्टेड 5499। तो आपको 5499 पे नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पे 2499 टू जॉइन द बैच। एंड क्लासेस 14th मार्च से शुरू हो रही है। 14th मार्च के बाद कोई भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो आपको अभी ही बैच ज्वाइन कर लेना है बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। सो ये जो आपको डेमो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी डेमो क्लासेस है, इसके बेसिस पे आप हमें अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे बहुत ही अमेजिंग वे में, एंड सारी की सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा फन और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो जॉइन द अन अकेडमी बैच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जो कि क्रिमिनोलॉजी जून 2023 नेट जो भी देने वाले हैं एस्पिरेंट्स, उन्होंने उनके लिए बनाई गई है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट इज़ अबाउट पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे एनरिको फेरी, सेजर लिम्ब्रोसो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नाउ एनरिको फेरी, ही वॉज द अनदर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ओके, एंड दैट इज एनरिको फेरी, ही चैलेंज्ड लिम्ब्रोसो व्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इन्होंने क्या बोला, लिम्ब्रोसो ने क्या बोला था कि बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल ही ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी क्राइम करता है। अब जो एनरिको फेरी थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप बोल रहे हो बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल तो यही दो रीज़न सफिशियंट नहीं है किसी भी पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। फिर कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है तो सिर्फ बायोलॉजिकल रीज़न या एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न ही नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड करी। उन्होंने क्या बोला, थ्रू हिज रिसर्च फेरी प्रूव दैट दी बायोलॉजिकल रीजन वेयर नॉट इनफ टू अकाउंट फॉर क्रिमिनोलिटी। इन्होंने रिसर्च के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन इनफ नहीं है। ऑफकोर्स वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दीज टू रीजन्स आर नॉट इनफ टू मोटिवेट समवन टू कमिट सम क्राइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ही बिलीव्ड दैट द अदर फैक्टर्स सच एज इमोशनल रिएक्शन, किसी भी पर्सन का इमोशनल रिएक्शन क्या था, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है क्राइम में, सोशल इन्फॉर्मिटी का भी पार्टिसिपेशन होता है, या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है। दीज फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल टेंडेंसीज इन अ मैन। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम क्रिमिनल टेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन में। ऑफकोर्स कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है या दुखी है या जेलस है, तो ये जो इमोशनल रिएक्शन है ये भी पार्टिसिपेट, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफकोर्स, इवन आई डू बिलीव, है ना। तो ये कहना था एनरिको फेरी का, इन्होंने लिम्ब्रोसो का जो अप्रोच था बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल का उसे रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सिर्फ यही इनफ नहीं है, प्रूव करा रिसर्च के थ्रू। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इमोशनल रिएक्शन, सोशल इन्फॉर्मिटी, जियोग्राफिकल कंडीशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
इन क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ अ मैन. ऑफकोर्स जियोग्राफिकल कंडीशन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन स्लम्स पे रहता है या वो देखता है कि भाई चोरी कर, एक दिन चोरी कर लेने से तो हजारों का फायदा हो जाता है, तो ऑफकोर्स उसको चोरी करने का मन करेगा. उसको मेहनत करने का मन क्यों करेगा अगर वो देख रहा है कि उसके बाजू वाला चोरियाँ कर रहा है, और वो चोरी करके कभी किसी की पॉकेट मार ली, कभी किसी सोने मकान में उसने चोरी कर लिया है ना, कभी किसी को चाकू दिखा के उससे पैसे छीन लिए, तो एकदम से इंस्टेंट कैश आ गया उसके पास, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा है ना. उसे ये तो पता नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी, उसे ये तो पता नहीं है कि वो जेल भी जा सकता है. उसने अपने सराउंडिंग में देखा, स्लम में देखा, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डिफिशियंट होते हैं, एजुकेशन उनको नहीं मिली होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विथ फूड एंड विथ वाटर एंड फॉर शेल्टर है ना. खाना भी सही से नहीं मिल रहा, पानी भी सही से नहीं मिल रहा, घर भी सही से नहीं है. जब वो ऐसी दूसरों की फैंसी लाइफ स्टाइल देखते हैं तो ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि वो भी अमीर हो जाए और अमीरों वाली ज़िंदगी जिए. तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जिस जगह पे वो पर्सन रह रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एनरिको फेरी ने ये कुछ पॉइंट्स हमें बताए. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिमिनल सोशियोलॉजी. और इसी वजह से जो इन्होंने बोला, इमोशनल रिएक्शन भी देखो, सोशल सराउंडिंग भी देखो, जियोग्राफिकल कंडीशन भी देखो, इसी वजह से हम एनरिको फेरे को क्रिमिनल सोशियोलॉजी का भी फादर कहते हैं. नाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेरी टू दिस फील्ड इज ऑल्सो लाइक अ लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. पर जो एनरिको फेरी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था क्रिमिनोलॉजी में, वो उनका लॉ था लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक बहुत बड़ी चीज़ एनरिको फेरी ने क्रिमिनोलॉजी को दी है, लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी फोकस करते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में एनरिको फेरी ने और क्या क्या बोला. Now this theory proposes that the crime is the synthetic product of three main factors. इन्होंने क्या बोला, कोई भी क्राइम किसका प्रोडक्ट है, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर का प्रोडक्ट है. सबसे पहला क्या, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, कि कैसे फिजिकल एरिया पे कैसा फिजिकल फैक्टर है, कैसा जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब किस तरीके के लोगों से वो घिरा हुआ है, कैसी जगह पे वो रहता है, वट इज़ द जियोग्राफी. ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने भी बिलीव करा कि भाई कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन भी इंक्लूडेड है. इसके अलावा इन्होंने एक और बोला, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. ठीक है, उसकी साइकोलॉजी कैसी बिल्ड हुई है, बचपन से उसने क्या सीखा है, क्या देखा है ना, कैसी सोसाइटी पे वो बिलोंग कर रहा है, क्या वो ये देख रहा है कि डेली डेली उसके जो पिता है या जो उसके फादर है वो फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, इस तरीके की इंटरेक्शन अगर उसके बचपन से रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल टेंडेंसीज आ सकती हैं उस बच्चे में. क्योंकि जब बहुत छोटी एज होती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो दैट एज इज़ रियली वेरी सेंसिटिव, एंड उसी एज में वी जस्ट टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड अप अ पर्सनैलिटी. सो साइकोलॉजिकल और सोशल चीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर भी क्राइम का प्रोडक्ट, लाइक क्राइम उसका प्रोडक्ट है. अगर साइकोलॉजी सही नहीं है क्राइम कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल जो भी सराउंडिंग है वो सही नहीं है क्राइम कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्राइम कर सकते हैं, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल. सो एनरिको फेरी का कहना था कि भाई ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट क्राइम हो सकता है. Now, Enrico Fermi emphasized that the criminal behavior is an outcome of variety of factors having their combined effect on that individual. इनका कहना बिल्कुल सही था. इन्होंने बोला कि भाई कोई एक दो फैक्टर नहीं होता कि कोई पर्सन क्राइम कर ले, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी वजह से वो पर्सन क्राइम करता है, राइट. और यही चीज़ें, दो चार चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट. नाउ फेरी, एनरिको फेरी एम्फेसाइज दैट अ क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस विच प्लेड इन हिज और हर लाइफ. जब कभी भी हम किसी भी क्रिमिनल को देखें तो हमें उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल है ये अपनी कंडीशन की वजह से क्रिमिनल बना है, जो भी उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था या कर रही थी. लाइक कोई भी इंडिविजुअल कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या जो भी कंडीशन, जिस भी कंडीशन में वो रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए. नाउ देयरफॉर द बेसिक पर्पस ऑफ क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स और प्रोग्राम शुड
बी टू रिमूव कंडीशंस विच मेक अ क्राइम. और इनका कहना था कि अगर हम क्राइम प्रिवेंशन करना चाहते हैं, क्राइम होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को फोकस करना है जिनकी वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं. उन चीज़ों को हम एलिमिनेट करेंगे, लोग क्राइम नहीं करेंगे. बिल्कुल मानना सही था. इवन आई जस्ट बिलीव एनरिको फेरी सर. ठीक है, इन्होंने बहुत हद तक बहुत सही चीज़ें हमें बताई थी. नाउ इन्होंने फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था क्रिमिनोलॉजी के लिए, क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, क्रिमिनल्स के लिए. ठीक है, तो कौन कौन से वो फाइव पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो बॉर्न क्रिमिनल्स. कुछ चीज़ें गलत भी थी, राइट, कुछ चीज़ें इनकी भी गलत थी. जैसे कि बॉर्न क्रिमिनल्स, आई डोंट बिलीव इफ समवन इज बॉर्न क्रिमिनल. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो पहला पहला था बॉर्न क्रिमिनल. इनकी क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट था बॉर्न क्रिमिनल, दूसरा था ओकेशनल क्रिमिनल, तीसरा था पैशनेट क्रिमिनल, चौथा था इनसेन क्रिमिनल, फिफ्थ था हैबिचुअल क्रिमिनल्स. तो सबके नामों से आपको समझ में आ रहा है व्हाट डज दीज वर्ड्स एग्जैक्टली मीन. बॉर्न क्रिमिनल्स जो कि जनजाति क्रिमिनल्स हैं, दूसरे ओकेशनल क्रिमिनल्स, कभी कभी क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं, कभी कभार क्राइम कर देते हैं. पैशनेट क्रिमिनल, इनका धंधा ही है क्राइम करने का, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट क्राइम. उनको जब भी मौका मिलेगा दे विल कमिट क्राइम्स. इनसेन क्रिमिनल्स, वो सारे लोग जो कि मेंटली अनस्टेबल है, दे आर नॉट मेंटली सेन, वो क्राइम करेंगे. हैबिचुअल क्रिमिनल, जिनकी हैबिट ही बन चुकी है, वो अपनी आदत से मजबूर है. तो ये फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन एनरिको फेरी सर ने हमें दी थी. ओके, देन वी हैव द थर्ड पर्सन हु इज, ओके, सेजर लिम्ब्रोसो हमने कर लिया, ओके, एनरिको फेरी हमने कर लिया, देन वी हैव रफेल गैरोफेलो. रफेल गैरोफेलो को हम नेक्स्ट लेशन में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, सो वी आर डन विथ सेजर लिम्ब्रोसो, इनकी थिंकिंग. वी आर डन विथ एनरिको फेरी, इनकी थिंकिंग. वी आर लेफ्ट विथ रफेल गैरोफेलो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो. आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा. अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमेशा कॉमेंट कर सकते हैं. मैं वो सारे के सारे कॉमेंट्स एड्रेस जरूर करूँगी. इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर बैच, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो डू जॉइन द बैच एंड डू जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.